डी स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री पॉइंट फोर हॉस्पिटल इन द फॉरेस्ट जंगल में अस्पताल इसका टाइटल है इसके क्वेश्चन समझेंगे सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन वन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वर द वेस्ट अफ्रीकन्स लिविंग वेस्ट अफ्रीका के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे थे वेस्ट अफ्रीक वर्ल्ड लिविंग इन हामीद फॉरेस्ट्स एंड हैड नो सेल्टर ऑफ एनी काइंड जो वेस्ट अफ्रीका के लोग थे वह एक जंगल में रहते थे उनके पास कोई आश्रय उनको नहीं था किसी तरह का ऑफन दे गॉट नथिंग टू ईट फॉर मैनी डेज प्राय उन्हें कई बार बहुत दिनों तक भोजन भी खाने को नहीं मिलता था थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीक डाइट ऑफ डिजीजे इन द फॉरेस्ट एवरी ईयर हजारों अफ्रीकन जो लोग थे वह मर जाते थे बीमारियों के कारण उस जंगल में हर साल क्वेश्चन टू वट अपील वॉज मेड इन द आर्टिकल दैट स्विचर रेट उस लेख में क्या अपील की गई थी जिसे स्विचर ने पढ़ा आंसर द आर्टिकल मेड एन अर्जेंट अपील टू यंग डॉक्टर्स टू गो टू वेस्ट अफ्रीका एंड हेल्प द नेटिव्स इन देयर सफरिंग उस लेख में एक अर्जेंट अपील की गई थी यंग डॉक्टर्स से कि वह वेस्ट अफ्रीका में लोगों की मदद के लिए उनके दर्द को कम करने के लिए वहां जाएं। क्वेश्चन थ्री हु वॉज हेलन ब्रेस्ल्यू हेलन ब्रेस्ल्यू कौन थी आंसर सी वॉज द डॉर ऑफ वन ऑफ द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी विद होम स्विट्जर विस्ट टू मैरी हेलन ब्रेस्ल्यू एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बेटी थी जो कि जिससे स्विट्जर शादी करना चाहता था क्वेश्चन फोर हाउ डिड स्विट्जर बिकम क्वालिफाइड डॉक्टर किस तरह से सुरचर एक क्वालिफाइड डॉक्टर बना आंसर ही वर्कड वेरी हार्ड एंड एट द एज ऑफ थर्टी सिक्स ऑफटेंड हिज डिग्री इन मेडिसिन विच वॉज हिज फोर्थ डिग्री उसने बहुत कठिन मेहनत की और छत्तीस साल की उम्र में उसने एक डिग्री प्राप्त की जो कि उसकी मेडिसिन की चौथी डिग्री थी क्वेश्चन फाइव हाउ डिड हेलन ऑफर टू हेल्प सर्जर हेलन ने सर्जर को किस तरह से हेल्प करने का ऑफर दिया सर सी सैड सॉफ्टली उसने सॉफ्टली कहा नम्रता से कहा ऑल राइट अल्बर्ट, आई विल हेल्प यू विद योर वर्क मैं आपके काम में आपकी मदद करूंगी, इफ़ यू ऑल इफ़ यू अलाउ आई विल गो टू अफ्रीका विद यू अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे साथ अफ्रीका जाऊंगी। क्वेश्चन सिक्स हाउ डिड ही अरेंज मै मनी फॉर हिज हॉस्पिटल उसने अपने उस हॉस्पिटल के लिए पैसे कैसे अरेज किए आंसर ही रोट सम बुक्स एंड टुक पार्ट इन कंसर्न कंसर्ट्स इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर हिज मशीनरी वर्क उसने किताबें लिखी और इस तरह से उसने पैसे इकट्ठा किए क्वेश्चन सेवन वट डिड स्विटचर टेक विद हिम टू विदिन वट डिड स्विटचर टेक विद हिम टू लैमबरिन स्विटचर ने अपने साथ क्या ले गए में आंसर सर्जर एंड हिज़ वाइफ हेलन सेल्ड किस तरह से वह लैम्ब्रिन पहुँचे तो आंसर है सर्जर एंड हिज़ वाइफ हेलन सेल सेल्ड, सेल्ड फॉर वेस्ट अफ्रीका उन्होंने नाव की सहायता से वह वेस्ट अफ्रीका पहुँचे टेकिंग विद दैम दे सेवेंटी केसेस ऑफ मेडिकल सप्लाइज और अपने साथ वह सहत्तर केसेस जो समस्याएं थी मेडिकल की उनकी साथ ले गए क्वेश्चन एट हाउ डिड ही रीच लैम्रिन किस तरह से वह लैमब्रिन पहुंचे आंसर टेटू का स्टीमर अप दू रिवर टू रिच लैमरिन उन्होंने स्टी स्टीमर एक बोट की सहायता से वह ऑक टू रिवर के द्वारा वह उस रिवर में स्टीमर की सहायता से लैम्बरिन पहुँचे क्वेश्चन नाइन हाउ डिड ही सेट अपि हॉस्पिटल इन द बिगिनिंग शुरुआत में उसने हॉस्पिटल किस तरह से उसको सेटअप किया आंसर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ स्वेप्ड एंड द देंगलोर एंड मेड इट इनटू अ वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी उन्होंने और उसकी वाइफ दोनों ने सबसे पहले वहाँ झाड़ू लगाया और स्क्रब किया पोछा लगाया फिर उसमें बेंगलोर को इस तरह से उस बिल्डिंग को मैनेज किया कि वहाँ एक बहुत अच्छा अत्याधुनिक हॉस्पिटल की तरह डिस्पेंसरी बन गया क्वेश्चन टेन वट विग वट बिग डिफिकल्टी वॉज हैडि टू फेस इन ट्रीटिंग हिस्स पेशेंट्स शुड़जर के को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा अपने पेशेंट्स को अपने मरीजों को ठीक करने में आंसर सुर्जर्स वन ग्रेट डिफिकल्टी वॉज दैट ही डे नाट नो लोकल लैंग्वेज उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी उसको नहीं जानते थे तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर थ्री पॉइंट वन हॉस्पिटल इन द फॉरेस्ट